फाइनल स्टेज है, इनको कैसे काम करवाते थे देख। इसके रूफ रिप्लेस हुआ है, वुडन स्ट्रक्चर साइड से मॉडिफाई किया गया, जैसे कि जेल के अंदर जो अगेन लोग प्रैक्टिस करते थे, वॉइस रेस करते थे, वैसे लोगों से काम करवाया जाता था। पहले उनको नारियल की छिलके निकाले, उसको पानी में सॉफ्ट करें, लकड़ी के हमर से चॉप करके रेसे निकाले। ये रेसे निकालने के बाद रस्सी बनाना था, यदि काम नहीं कर पा रहे जो सूखा नारियल होता है कोपरा जिसे कहते हैं, 30 पाउंड नारियल तेल, 10 पाउंड सरसों का तेल, ये उनके लिए तय किया हुआ कोटा था, यदि काम नहीं कर पा रहे। देखिए ये जो गोलू है इसमें 2 तरीके के बेट, ताकि अच्छी तरह से दबाव है, जब घूमने के वक्त स्टक कर जाते तो पीछे से जमादार उनके ऊपर कोड़े बरसाते थे। ये सारे काम नहीं कर पाते उनकी पनिशमेंट कैसे बढ़ती है। ये जो है फ्लॉगिंग पे पनिशमेंट है, जो बाकी फ्रीडम फाइटर्स आने के बाद उनकी नज़रों के सामने करवाया जाता था। साइकोलॉजी के पक्ष, साइकोलॉजी मीन्स यहाँ अंग्रेज हिंदुस्तानी को नहीं मारते थे, अंग्रेज हिंदुस्तानी को मारे होते हैं तो उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता, यहाँ पे क्रांति बढ़ सकती है। उस क्रांति को कमज़ोर करने के लिए एक हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी के ऊपर थोड़ी बरसाते थे, जब तक उनके सर्विस से खून नहीं आती तब अनकॉल से जाते थे, दोबारा उनको इलाज करवाया जाता था, उसके बाद ज़रूरत पड़े तो फांसी फांसी देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उससे पहले ही उनका देहा हो जाता। ये फ्लॉगिंग प्रेम बहुत ज़्यादा सुनिए। देखिए ये इनकी यूनिफॉर्म व्हाइट कलर के और उनके गले में मेटल रिंग, इस मेटल रिंग की पर्पस जिसमें ऑर्डर नंबर एक्ट नंबर हुआ करता था, इनके कॉन्फिडेंस को कमज़ोर करने के लिए। जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है, छोटा सा धागा भी होगा ना समटाइम आपको डिस्टर्ब करेगा, तो ये मेटल रिंग इनको कॉन्फिडेंस को कमज़ोर करने के लिए ब्रिटिश इस्तेमाल करते थे। और बिना किसी के परमिशन का हम किसी की आईडी प्रूफ देते हैं वो मैनर्स नहीं होता। तो हमारे देश में हमें गुलाम बनाकर जो ऐसे जागता है तो उस समय क्या होता है, हमारे थॉट्स सोच से बाहर आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्रांतिकारी कमज़ोर हो जाएंगे। उनको कमज़ोर करने के लिए साइकोलॉजिकली, और जब लाते थे वीडियो के साथ लाते थे, चेन फीटअप रास्ते से ना एस्केप करें, सेकंड देखिए बाहर फीटअप स्ट्रेट रोड, यहाँ पे आने के बाद उनका पनिशमेंट इंक्रीज होता है, नी को बेंड करके नहीं बैठ पाते थे, 2 फीट रॉड है डिपेंड ऑफ द हाइट, ये जो हाथ में है इस तरीके से कमर में आती थी। एंड थर्ड वन देखिए जो कि ट्राइंगल शेप क्रॉस बार फीटर 16 इंच रॉड इन बिटवीन द लेग, और इन तीनों स्थिति में इनसे काम करवाते थे, जैसे कि कोलू और इसके अलावा बाहर, और उनका पनिशमेंट यूनिफॉर्म जूट साख, दूसरों के साथ कंपेयर करते वक्त अलग से पहचान। फोटोग्राफी कर लीजिए आगे।